दोस्तों नमस्कार। सूर्य कुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप में इस बार 189.68 की औसत से 239 रन बनाए हैं। हालांकि रैंकिंग में वो अभी भी टॉप पर बने हुए हैं, लेकिन रेटिंग पॉइंट्स के मामले में उनको 10 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है। ICC की जो ताज़ा तरीन रैंकिंग है वो जारी कर दी गई है, जहां सूर्य कुमार यादव नंबर 1 पर बने हुए हैं, मोहम्मद रिजवान दूसरे स्थान पर हैं और बाबर आजम तीसरे स्थान पर है। उन्हें कुछ लाभ हुआ क्योंकि सेमीफाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो एक मैच विनिंग पारी खेली उसका उन्हें निश्चित तौर पर लाभ मिला और वो तीसरे नंबर पर हैं और डेविन कॉनवे चौथे नंबर पर बने हुए हैं और पांचवें नंबर पर एडिन मार्करम। और फिर उसके बाद जो है रैंकिंग में वही स्थान देखा जाए तो नंबर 6 पर डेविड मलान, हालांकि थोड़ा सा नुकसान उन्हें रेटिंग पॉइंट्स का हुआ क्योंकि वो खेले नहीं इंजरी की वजह से T20 वर्ल्ड कप के। और उसके बाद जो है रिली रासो 7वें नंबर पर हैं और 8वें नंबर पर अरुण फिंच हैं, पाथुम निशांका हैं 9वें नंबर पर, अरुण फिंच हैं 9वें नंबर पर और पाथुम निशांका हैं 10वें स्थान पर। तो इस तरह से डेविड मलान के बाद रोसो हैं, फिर ग्लेन फिलिप्स हैं 8वें नंबर पर। तो ग्लेन फिलिप्स ने एक शानदार पारी खेली थी और एक निश्चित एक मैच में हार लग रही थी उसको उन्होंने बचाया था वन मैन आर्मी बनकर। फिर उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें तो वार्निंदु हसरंगा पहले स्थान पर हैं, राशिद खान अफगानिस्तान के दूसरे स्थान पर और उन्हें 4 पायदान का फायदा हुआ है राशिद खान को गेंदबाजी में। आदिल रशीद को फायदा हुआ है क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की और वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। और चौथे स्थान पर हैं जोश हेजलवुड, फिर उसके बाद सैम करन की भी जो रैंकिंग है उस पर काफ़ी सुधार हुआ है, बहुत शानदार गेंदबाजी उन्होंने की, मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द फाइनल रहे और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने सैम करन अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत। और उसके बाद तबरेज़ शमसी का नंबर आता है और फिर एडम जैम्पा, मुजीबुर रहमान, एनरिक नोकिया और महेश तीक्ष्णा के नंबर आते हैं। हालांकि बल्लेबाजी में हमने जो जिक्र किया उस पर विराट कोहली का जिक्र करना यहाँ ज़रूरी होगा। हालांकि उन्होंने 4 हाफ सेंचुरी बनाई हैं और उसके बावजूद उन्हें नुकसान हुआ है, 9वें से 11वें स्थान पर आ गए यानी टॉप 10 की सूची से वो बाहर हो गए हैं। और उसके अलावा एलेक्स हिल्स को अच्छा खासा फायदा हुआ है, एलेक्स हिल्स जिन्होंने 86 रन की पारी खेली थी 47 गेंदों पर भारत के खिलाफ, वो अब 22 पायदान की लंबी छलांग लगाने के साथ बिल्कुल विराट कोहली के बाद पायदान पर आ गए हैं यानी 12वें नंबर पर वो आ गए हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो शाकिब उल हसन पहले स्थान पर, मोहम्मद नबी दूसरे स्थान पर और उसके बाद हार्दिक पांड्या का नंबर आता है जिन्होंने अच्छी गेंद और बल्ले से अच्छा शानदार प्रदर्शन किया, खासकर बल्लेबाजी उनकी बहुत रंगदार रही। और फिर सिकंदर रजा का नंबर आता है और इस तरह से ये एक मुकम्मल होती है रैंकिंग ICC की। अब सूर्य कुमार यादव को अगर रैंकिंग को अपने बरकरार रखना है, टॉप पर बने रहना है तो उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और वहीं हसरंगा को अच्छा खासा फ़ायदा हुआ क्योंकि वो जब भी कोई टूर्नामेंट होता है उसमें या तो टॉप विकेट टेकर होते हैं, हालांकि उन्हें यहाँ पर क्वालिफाई करके आने वाली जो टीमें थीं उनको नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा मिले, इसका उन्हें निश्चित तौर पर लाभ मिला। और ये है रैंकिंग की स्थिति। आप क्या सोचते हैं अगली रैंकिंग जारी होगी उसमें क्या बदलाव आप देखते हैं, क्या विराट कोहली टॉप पर आएंगे? हालांकि विराट कोहली अब न्यूजीलैंड दौरे पर तो नहीं होंगे लेकिन अभी रैंकिंग में उन्हें टॉप 10 से कुछ समय के लिए बाहर ही रहना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।